जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आप ही की डिमांड पर आपके साथ शेयर करेंगे सेज़वान चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी बहुत ही सिंपल इसकी रेसिपी है हमारे बताए हुए तरीके से जब आप इसे अपने घर पर बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल सेज़वान चिकन फ्राइड राइस बनकर तैयार होंगे बल्कि उससे भी बढ़िया बनकर तैयार होंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है इसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे इसी के साथ ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून सोया सॉस और एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे अगर आप चाहें तो यहाँ पर दो चुटके जितना रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है और इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मेरीनेट करेंगे और अब हम चावल बॉईल करेंगे तो चावल बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पर डेढ़ लीटर पानी लिया है इसमें हम डेढ़ टी नमक डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून तेल और हाई फ्लेम पर इस पानी में एक उबाल आने देंगे पानी के अच्छे से बॉईल हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे सोक किए हुए बासमती चावल तो हमने यहाँ पर दो कप बासमती चावल लिए हैं और चावल को अच्छे से वॉश करके हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था इसे एक बार चला लेंगे और चावल को हमें तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये नाइन्टी परसेंट तक कुक ना हो जाए गैस की फ़्लेम को मीडियम रखेंगे तो यहाँ पर हमें चावल को पूरी तरह बॉईल नहीं करना मीडियम फ्लेम पर हमें इसे तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये नाइन्टी परसेंट कुक ना हो जाए और अब हम गैस की फ़्लेम को ऑफ कर देंगे और छन्नी की मदद से इसका ज़्यादा का पानी निकाल देंगे और चावल को रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे और इसी के साथ हमने यहाँ पर तीन अंडे ले लिए हैं और इन अंडों में हम एक चौथाई टीस्पून नमक डालकर इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे और अब हमने यहाँ पर एक पेन लिया है पेन में एक टेबलस्पून तेल गरम करने के बाद हमने जो अंडे फेंट कर रखे हुए हैं उसे इसमें ऐड कर देंगे अंडे ऐड करने के साथ ही हमें इसे अच्छे से मिला लेना है और अंडों को हम थोड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमें अंडों को थोड़ी बड़ी साइज़ के टुकड़ों में तोड़ लेना है और तकरीबन एक मिनट तक हम इसे पकाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अंडों को थोड़े बड़ी साइज़ के टुकड़ों में तोड़ लिया है और हमने इसे सिर्फ एक मिनट के लिए पकाया है और अब हम इनको इस पैन में से निकाल लेंगे और उसी पैन में हमने तीन टेबल स्पून तेल और ऐड कर दिया और तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और अभी हमें गैस की फ़्लेम को मीडियम रखना है और चिकन को हम मीडियम फ्लेम पर सेलो फ्राई करेंगे बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और हमें चिकन को तब तक सेलो फ्राई करना है जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए तो हमने यहाँ पर चिकन को 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर तेल में फ्राई कर लिया है और चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे और चिकन फ्राई करने के बाद हमने उसी पैन में दो टेबल स्पून तेल और ऐड कर दिया और तेल के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन और बारीक कटी हुई छोटी हरी मिर्च तो हमने एक टेबल स्पून कटा हुआ अदरक और एक टेबल स्पून कटा हुआ लहसुन लिया है और इसी के साथ हमने चार छोटी हरी मिर्च को बारीक काट लिया है और लहसुन का कलर चेंज होने तक हम इसे तेल में थोड़ा फ्राई करेंगे तीस से पैंतीस सेकेंड तक हमने इसे फ़्राई कर लिया और अब हम इसमें प्याज डालेंगे तो हमने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया है प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये थोड़ी सॉफ़्ट ना हो जाए प्याज के सॉफ्ट होने तक हमने इसे थोड़ा फ्राई कर लिया है और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे गाजर और शिमला मिर्च तो हमने यहाँ पर एक चौथाई कप जितनी गाजर ली है और इसी के साथ हमने आधा कप जितनी शिमला मिर्च ली है दोनों को हमने बारीक काट लिया है और अभी हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है और इसे थोड़ा फ्राई करेंगे जब तक कि ये क्रंची ना हो जाए डेढ़ से दो मिनट तक हमने गाजर और शिमला मिर्च को हाई फ्लेम पर तेल में फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें एक कप जितनी पत्ता गोभी ऐड कर देंगे और इसे भी हम एक से डेढ़ मिनट के लिए तेल में फ्राई करेंगे तो इन सारे वेजिस को हमें इतना ही फ्राई करना है कि ये थोड़े क्रंची हो जाए बस हमें इसे क्रंची रखना है इसे हम ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करेंगे और इस स्टेज पर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने चावल में भी नमक डाला है और चिकन में भी नमक डाला है क्योंकि ये सेज़वान चिकन फ्राइड राइस है तो इसलिए हमने यहाँ पर तीन टेबल स्पून जितना सेज़वान सॉस डाल दिया है आप यहाँ पर सेज़वान चटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसी के साथ हमने यहाँ पर दो टेबल स्पून टोमेटो सॉस डाला है इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ चिकन तो चिकन को फ्राई करके निकालने के बाद जब ये अच्छे से ठंडा हो गया तो हमने इसे थोड़े छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड कर लिया है अगर आप चाहें तो चिकन के बड़े पीसीस भी इसमें डाल सकते हैं या फिर इस तरह से छोटे पीसीस में डिवाइड कर लें इसे अच्छे से मिला लेंगे और चिकन को इन वेजिस के साथ दो से तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे इन वेजिस के साथ हमने चिकन को दो से तीन मिनट के लिए पका लिया है और इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा फ़ूड कलर डालेंगे इसे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनाने के लिए हम यहाँ पर ऑरेंज फ़ूड कलर डाल रहे हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप ना डालना चाहें तो इसे स्किप कर दें अच्छे से मिला लेंगे और इसी के साथ हमने जो चावल बॉईल करके रखे हुए हैं वो हम इसमें डाल देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल को हमने सिर्फ नाइन्टी परसेंट तक बॉईल किया था और बॉईल करने के बाद हमने इनको रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लिया और चावल कितने खिले खिले हैं ये तो आप देख ही सकते हैं इसे अच्छे से मिला लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि चावल पूरी तरह कुक ना हो जाए गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे तो चावल के पूरी तरह कुक होने तक हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पाँच मिनट के लिए पका लिया है और अब हमने जो अंडा बना कर रखा है उसे हमें इसमें डाल देना है और इसी के साथ हमें इसमें डाल देनी है एक कप जितनी बारीक कटी हुई हरी प्याज़ और इसे अच्छे से मिला कर एक से डेढ़ मिनट के लिए पका लेंगे ये देखिए बने हैं ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस आपने देखा कि इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है हमारी बताई हुई मेथड को फॉलो करते हुए जब आप इसे अपने घर पर बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके सेज़वान चिकन फ्राइड राइस बनकर तैयार होंगे और रेसिपी ट्राई करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिएगा आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन ज़रूर दबाएँ और हाँ आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड बाय